खुद को बड़ा तुर्रम खां समझते हो, आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं असली तुर्रम खां कौन है? अक्सर आपने सुना होगा ज्यादा तुर्रम खां मत बनो। खुद को तुर्रम खां समझते हो क्या? जिसके नाम पर इतने मुहावरे बनाए गए हैं, आखिर वो तुर्रम खां कौन है? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की अपडेट भी मिल जाएंगे। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। तुर्रेबाज खान दक्कन के इतिहास में एक वीर व्यक्ति थे जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। हैदराबाद की लोक कथाओं में एक सकारात्मक कठबोली है तुर्रम खां। जब आप किसी को ऐसा कहते हैं, इसका मतलब आप उसे हीरो कह रहे हैं। वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने हैदराबाद के चौथे निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तुर्रम खां 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के जाबाज हीरो थे। कहा जाता है जिस आजादी की लड़ाई की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी, उसका नेतृत्व तुर्रम खां ने हैदराबाद में किया था। ये संग्राम की चिंगारी अन्य इलाकों में भी, जैसे कि दानापुर, आरा, इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली, झांसी और कई जगहों पर फैली थी। इसी क्रम में हैदराबाद में अंग्रेजों के एक जमादार जिनका नाम चीदा खान था, उन्होंने सिपाहियों के साथ दिल्ली कूच करने से इनकार कर दिया। तब उसे निजाम के मंत्री ने धोखे से कैद कर लिया था और अंग्रेजों को सौंप दिया और उन्होंने उसे रेसिडेंसी हाउस में कैद कर दिया था। उसी को छुड़ाने के लिए तुर्रम खां अंग्रेजों पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। जुलाई 1857 की रात को तुर्रम खां ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रेसिडेंसी हाउस पर हमला कर दिया। आखिर तुर्रम खां ने रात में हमला क्यों किया? दोस्तों, इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था रात के हमले से अंग्रेज परेशान हो जाएंगे और उन्हें जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन उनकी इस योजना को एक गद्दार ने फैला दिया, या यूं कहें फेल कर दिया। निजाम के वजीर सालार जंग ने गद्दारी की और अंग्रेजों को पहले से ही सूचना दे दी। इस प्रकार अंग्रेज पहले से ही तुर्रम खां के हमले के बारे में जानते थे और वो तैयार हो गए। अंग्रेजों के पास बंदूकें, तोपें थीं। तुर्रम खां और उनके साथियों के पास केवल तलवारें थीं। फिर भी तुर्रम खां ने हार नहीं मानी और वे अपने साथियों के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़े। लेकिन तुर्रम खां और उनके साथी अंग्रेजों का वीरता से सामना करते रहे और हार नहीं मानी। अंग्रेजों की पूरी कोशिश के बावजूद भी तुर्रम खां को वो कैद नहीं कर पाए। तुर्रम खां की हत्या कैसे हुई? दोस्तों, तालुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तुपरण के जंगलों में तुर्रम खां को पकड़ लिया था। इसके बाद तुर्रेबाज खान को कैद में रखा गया और फिर गोली मार दी गई और उनके शरीर को शहर के केंद्र में लटका दिया गया ताकि विद्रोह को रोका जा सके। जब आप 1857 के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी और मैसूर जैसी जगहों का जिक्र आता है, लेकिन हैदराबाद का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि निजाम अंग्रेजों के सहयोगी थे। लड़ने का कोई कारण नहीं था, लेकिन तुर्रेबाज खान के साथ एक संक्षिप्त अवधि आई जब हैदराबाद संघर्ष और विद्रोह में शामिल हो गया। आज भी लोग तुर्रम खां की बहादुरी के लिए उनको याद करते हैं और उनके नाम के मुहावरे और डायलॉग बोलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।